हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हमारे किचन में बनाने वाली हूँ कैरमल कैपेचिनो। तो इस कैपेचिनो बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। और मोस्टली कैपेचिनो बड़े बड़े कॉफ़ी शॉप्स में बनाई जाती है, तो आप उसको घर पर कितनी आसान तरीके से बना सकते हो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलो इस वीडियो को हम शुरू करें। सो यहाँ पे मैंने एक ग्लास लिया है कांच का, आपके पास कोई भी ग्लास अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एक ग्लास गरम दूध लिया है, फिर ये है मिल्क फोम, जो ऊपर का जो मिल्क का जो झाग आता है वो। फिर उसके बाद लिया है कैरमल सॉस और ये है कॉफ़ी। तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ, और अगर आप आई बेल बटन पे क्लिक करते हो तो आपको वहाँ पे भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो अब इसमें हम पहले मिल्क ऐड करेंगे, अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कॉफ़ी। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 30 ml कॉफ़ी लिया है। तो इसका रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, आप आईबॉल बटन पे क्लिक करोगे तो इसका रेसिपी आपको ज़रूर मिल जाएगा। अब इसमें हम कॉफ़ी ऐड करेंगे, देखिए कैसे मिल्क का जो कलर है वो अच्छे से चेंज हो रहा है। अब इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क फोम, पर से एक जो मिल्क फोम की एक लेयर लगाएंगे अच्छे से थिक वाली। स्पून की मदद से आपको इसको एक लेयर बनानी है अच्छे से। आप इसमें मिल्क फोम के अलावा व्हिपिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, एक व्हिपिंग क्रीम जो आती है उसका एक थिक लेयर उसमें आप लगा सकते हो। अब इसके ऊपर हम कैरमल सॉस लगाएंगे एक लाइन ऐसे। तो आपके पास अगर स्क्वीजी बॉटल, तब स्क्वीजी बॉटल में यूज़ कर सकते हो, तो उससे कैसे अच्छे से परफेक्ट जो आर्ट है वो बनता है। तो एक एक करके ऐसे लाइन पूरी लगानी है मिल्क फोम के ऊपर। आपको जैसे डेकोरेट करना है उस तरीके से आप डेकोरेट कर सकते हो। Thank you.